इसराइल जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अब कह रहे हैं भारत के एक दिग्गज बिलियनियर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप आनंद महिंद्रा जी। दरअसल हाल ही में इसराइल ने जो सक्सेसफुल रिस्पांस दिया है मेजॉरिटी ऑफ जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल थे ईरानियन अटैक के बाद, तो इसराइल की ऐसी बेशुमार सक्सेस को देखकर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ट्विटर में काफी ज्यादा इसको प्रेस करते हुए भारत को भी इस पर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास आयरन डोम ही नहीं, इससे और भी कई गुना बढ़कर चीजें हैं। इनके पास लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसेप्टेबल सिस्टम है जिसे ये डेविस लिंक कहते हैं, फिर उसके बाद एरो 2 एरो 3 सिस्टम भी है, और फिर इनके पास तो एक आयरन बीम सिस्टम भी है जो कि लेजर यूज करती है और सीधा लेजर बीम छोड़ के ये टारगेट डिस्ट्रॉय कर देती है चंद सेकंड्स में। और आज के ऐसे समय में भारत को इन सभी लड़ाइयों से सीखना चाहिए और कैसे हम हमारी अंदरूनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं इस पर काम करना चाहिए। और अब वक्त आ चुका है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा फोकस करें और किस तरह से मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है ऐसे वेपन्स हम बनाने लग जाएं। आनंद महिंद्रा जी के इस ट्वीट पर तो काफी यूजर सहमत भी थे। कुछ यूजर ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट इसराइल के पास जो हथियार है तो वो है अमेरिका, फ्रांस, यूके और बाकी कंट्रीज का सपोर्ट, जो कि लगातार इनको पैसे, मिसाइल्स, ड्रोन्स भेज रहे हैं ईरान से हमले को काउंटर करने के लिए। तो वही कुछ यूजर्स आनंद महिंद्रा जी की राय से पूरी तरह से सुनिश्चित है और उन्होंने भी कहा कि हाँ, अब ये सही टाइम है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपने आप को प्रिपेयर करना है फ्यूचर के वॉरफेयर में। आज की तारीख में चाइना ऑलरेडी भारत से 15 साल आगे है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन्होंने ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार भी कर दिया है। कहा जाता है कि इनके पास लेजर वेपन्स भी है। रिसेंटली ये जो इसराइल पर हमला हुआ है तो ईरान ने 200 मिसाइल्स ड्रोन्स छोड़ दिए और इसराइल काफी सक्सेसफुली लगभग इन सारे मिसाइल्स ड्रोन्स को मारने में सक्षम हुआ है। सो इसी तरह चीन की भी बढ़ती ताकत को देखकर भारत को भी संभल जाना चाहिए और हमें भी इसराइल जैसे ऐसे खतरनाक सिस्टम बनाने ही होंगे जो किसी भी प्रकार के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सो आप भी बताइए, क्या आप भी आनंद महिंद्रा जी के इस राय से सहमत हैं? अगर हाँ तो लेट अस नो इन कमेंट्स।